हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स। में फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो IOCL की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसमें ITI डिप्लोमा और डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। सो ये फ्रेशर्स इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से आ रही है, जो एक PSU है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, यहीं पे ग्रेजुएट टेक्नीशियन और ट्रेड अप्रेंटाइज के लिए वैकेंसी आई है। डिटेल्स पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे फर्स्ट पोस्ट है ट्रेड अप्रेंटाइज अटेंडेंट ऑपरेटर के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में से 3 साल का BSc किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप लोग का अप्रेंटिसशिप का ड्यूरेशन 12 मंथ्स यानी कि 1 ईयर तक रहेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 396 है। नेक्स्ट है ट्रेड अप्रेंटाइज फिटर के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग फिटर ट्रेड में से 2 साल का ITI किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप लोग का अप्रेंटिसशिप का ड्यूरेशन 1 ईयर तक रहेगी और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 161 है। नेक्स्ट है ट्रेड अप्रेंटाइज बॉयलर के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में से 3 साल का BSc किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप लोग का अप्रेंटिसशिप का ड्यूरेशन 2 ईयर्स तक रहेगी और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 54 है। नेक्स्ट है टेक्नीशियन अप्रेंटाइज के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग केमिकल और पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में से 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप लोग का अप्रेंटिसशिप का ड्यूरेशन 12 मंथ्स यानी कि 1 ईयर तक रहेगी और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 332 है। नेक्स्ट है टेक्नीशियन अप्रेंटाइज मैकेनिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में से 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप लोग का अप्रेंटिसशिप का ड्यूरेशन 1 ईयर तक रहेगी और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 163 है। नेक्स्ट है टेक्नीशियन अप्रेंटाइज इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में से 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप लोग का अप्रेंटिसशिप का ड्यूरेशन 1 ईयर तक रहेगी और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 198 है। नेक्स्ट है टेक्नीशियन अप्रेंटाइज इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में से 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप लोग का अप्रेंटिसशिप का ड्यूरेशन 1 ईयर तक रहेगी और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 74 है। नेक्स्ट है ट्रेड अप्रेंटाइज सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए, इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग 3 साल का BA/BSc बीकॉम करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप लोग का अप्रेंटिसशिप का ड्यूरेशन 15 मंथ्स तक रहेगी और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 39 है। नेक्स्ट है ट्रेड अप्रेंटाइज अकाउंटेंट के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग 3 साल का बीकॉम किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप लोग का अप्रेंटिसशिप का ड्यूरेशन 12 मंथ्स यानी कि 1 ईयर तक रहेगी और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 45 है। नेक्स्ट है ट्रेड अप्रेंटाइज डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग क्लास 12 पास किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप लोग का अप्रेंटिसशिप का ड्यूरेशन 15 मंथ्स तक रहेगी और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 41 है। और लास्ट है ट्रेड अप्रेंटाइज डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग क्लास 12 पास किए हो और उसके साथ अगर आप लोग के पास डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर पे स्किल सर्टिफिकेट है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप लोग का अप्रेंटिसशिप का ड्यूरेशन 15 मंथ्स तक रहेगी और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 32 है। टोटल कुल मिला के 1535 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। उसके अलावा फ्रेंड्स, लैटरल एंट्री वाले इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग हायर क्वालिफाइड हो यानी कि BBTech, MBA, MCA करके रखे हो तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। उसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इसके पहले कोई भी अप्रेंटिसशिप वगैरह करके रखे हो तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। उसके साथ अगर आप लोग के पास 1 साल का एक्सपीरियंस है या तो 1 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। उसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग 2020-21 और 2022 पे आपके ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और ITI पास आउट किए हो तो ही आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो लोग 2020 से पहले डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और ITI पास आउट किया है वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसमें आप लोग एक ही पर्टिकुलर ट्रेड या तो डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे एज लिमिट 18 ईयर्स लगे 24 ईयर्स रहा गया है। उसके अलावा अगर आप लोग SC ST OBC और
PWD कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड सिलेक्शन प्रोसीड्योर में फर्स्ट होगा आप लोग का रिटन एग्जामिनेशन। अगर आप लोग उसमें क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ साथ आप लोग का प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट होगा। अगर आप लोग इस तीनों स्टेज में क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी। इसमें आप लोग का जो रिटेन टेस्ट होगा उसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहेगी। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो फ्रेंड्स अगर आप लोग गुवाहाटी बाराउनी गुजरात डिगबॉय और बोनगाईगांव रिफाइनरी के लिए अप्लाई करते हो तो उस केस में आप लोग जो भी पर्टिकुलर रिफाइनरी के लिए अप्लाई करोगे उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे आप लोग का रिटेन टेस्ट होगा। और अगर आप लोग हल्दिया मथुरा पानीपत और पैरादीप रिफाइनरी के लिए अप्लाई करते हो तो उस केस में आप लोग का एग्जामिनेशन सेंटर कोलकाता दिल्ली और भुवनेश्वर पे रहेगी। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो फ्रेंड्स यहीं पे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 40% मार्क्स लेना होगा आप लोग को रिटेन टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए। सिमिलरली एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 35% मार्क्स लेना होगा आप लोग को रिटेन टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए। स्टाइपेंड की बात करें तो फ्रेंड्स यहीं पे अप्रेंटिसशिप चलने के दौरान आप लोग को स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा बट कितना स्टाइपेंड मिलेगा उसका डिटेल्स इन्होंने इस नोटिफिकेशन पे मेंशन नहीं किया है। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोग को इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट में विजिट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 24 सितंबर 2022 से और इसमें अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट रहा गया है 23rd अक्टूबर 2022। उसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप लोग का कोई भी डाउट्स है तो क्वेश्चन है तो आप लोग इसी ईमेल आईडी और फोन नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग का डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। इसमें आप लोग का जो रिटेन टेस्ट होगा उसके लिए एडमिट कार्ड आउट होगा 1 नवंबर 2022 से लेके 5 नवंबर 2022 तक। इसमें आप लोग का जो रिटेन टेस्ट होगा वो होगा 6 नवंबर 2022 पे। रिटेन टेस्ट का रिजल्ट आउट होगा 21 नवंबर 2022 पे और आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा 28 नवंबर 2022 से लेके 7 दिसंबर 2022 तक। तो फ्रेंड्स यही इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन नेक्स्ट में आप लोगों को दिखाया था उसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो फ्रेंड्स यही इसका ऑफिशियल वेबसाइट और यही इस नोटिफिकेशन का डिटेल्स जो आप लोग देख पा रहे हो इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोग को क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगी जिसमें आप लोग जो भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो आप लोग को चूज करना है और उसके बाद प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग जो भी पर्टिकुलर रिफाइनरी के लिए अप्लाई करते हो उसके पास में आप लोग को सिलेक्ट ऑप्शन को चूज करना होगा और उसके बाद प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग को अप्लाई नाउ ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी और आप लोग वहां से अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यही इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप का डिटेल्स। आई होप आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और आपका डिग्री एंड डिसिप्लिन कमेंट में जरूर मेंशन करना ताकि आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जॉब अपडेट्स लेके आ सकूं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।